राजस्थान में भाजपा की भूमिका को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, कांग्रेस के लोगों ने बगावत की, इसमें भाजपा का कोई रोल नहीं है। रेत और शराब पर हो रहे बयान पर उन्होंने कहा कि रेत और शराब पर कांग्रेस की नजर है, प्रमाण देंगे तो जांच होगी, पर जो ठेके चल रहे हैं वे कांग्रेस के समय के ही हैं। कोरोना को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना के खिलाफ समाज को खड़ा होना पड़ेगा, समय पर इलाज हो तो कोरोना इतनी गंभीर बीमारी नहीं है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राजस्थान में भाजपा पर सवाल उठाने पर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस टूटी है, कांग्रेस के लोगों ने बगावत की, कांग्रेस की सरकार है और भाजपा के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस को अपना घर संभालना चाहिए, कहीं इस बरसात में आखिरी दीवार भी ना ढह जाए। उन्होंने कहा कि प्रियंका वाड्रा ने राहुल गांधी के लिए सोनिया गांधी से समझौता कराया है, बस इतनी सी बात है, इसमें भाजपा कहां से आ गई। नरोत्तम मिश्रा ने रेत और शराब के बयानों को लेकर कहा कि कांग्रेस अभी भी रेत और शराब पर बयान दे रही है, इससे समझा जा सकता है कि उनका ध्यान किधर है। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने कांग्रेस की सरकार में ही माफी मांग ली थी कि वे अवैध उत्खनन बंद नहीं करा पाए हैं। पता नहीं तनखा जी को बीजेपी क्यों दिखती है, कांग्रेस क्यों नहीं दिखती। कांग्रेस टूटी, कांग्रेस के लोगों ने बगावत की, कांग्रेस के लोग गए, कांग्रेस की सरकार थी और भाजपा के खिलाफ धरना दे रहे थे। कमोबेश वो भी अभी भी वही है, जो समझौता हुआ है माननीय सोनिया गांधी जी द्वारा राहुल गांधी जी के लिए प्रियंका जी ने समझौता कराया है, प्रियंका गांधी जी ने, इतनी सी तो बात है। उनका आंतरिक मामला है, भाजपा को क्यों ला रहे हैं इसमें, अपने घर को संभालो वरना अगले बरसात में ये दीवार भी ढह जाएगी। कोरोना को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पूरे देश में कोरोना बढ़ रहा है, इसे रोकने के लिए सरकार के साथ समाज को भी इस महामारी के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कोरोना इतनी गंभीर बीमारी नहीं है, अगर इसे 3 दिन के अंदर जांच कर इलाज शुरू करा दिया जाए तो, लोग बीमारी को छुपाते हैं। उन्होंने समाज से अपील की है कि कोरोना मरीज को अछूत ना समझें और कोरोना के लक्षण होने पर तुरंत जांच करवाएं। अकेले सरकार से कुछ नहीं होगा जब तक समाज स्वयं स्फूर्त इस महामारी के खिलाफ खड़ा नहीं होगा। सरकार को जो अपने स्तर पर करना चाहिए वो सरकार कर रही है। हमने निःशुल्क दवा की व्यवस्था की, निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की, निःशुल्क हॉस्पिटल की व्यवस्था की, बाकी सब सुविधाएं गरीबों को, मिडिल क्लास को निःशुल्क हैं। लेकिन जो समाज को करना है वो तो हम हाथ जोड़कर प्रार्थना ही कर सकते हैं उन सबसे कि हमें सावधानियां बरतनी है, डरना नहीं है। एक दूसरा, कोई भी सिम्टम आए तो पता नहीं छुपाने की आदत जो देखने में आ रही है वो छुपा रहे हैं, छुपाते इसलिए हैं मेरे ख्याल से कि जो समाज का कुछ धड़ा है, सारा समाज नहीं, वो अछूत मानने लगता है, उनसे दूरियां बनाने लगता है। समाज से भी आग्रह है कि वो अछूत न माने, कोरोना इतना गंभीर नहीं है जितना गंभीर समझ रहे हैं। ये गंभीर तभी है जब हम इसको छुपाते हैं। प्रारंभिक अगर वो आती है, खास खराश आती है, बुखार आता है, जुकाम आता है, तो तत्काल जांच कराएं। वो फिर उसके बाद में अगर 3 दिन में आपने जांच करा लिया तो जुकाम खांसी से ज्यादा कुछ नहीं है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।